हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित एंड यू आर वाचिंग एके ऑटो व्लॉग्स। सो गाइस, आज जो है मैं एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज जो है अपने साथ एक न्यू कार है जो कि है टाटा टियागो XT वेरिएंट, जो कि XZ से एक नीचा मॉडल है, प्लस थर्ड टॉप मॉडल बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट जो टॉप मॉडल है वो टाटा टियागो XZ ऑप्शनल वेरियंट है, उससे नीचे XZ प्लस आता है और उसके नीचे आता है XT। सो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस कार में क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या, मतलब जैसे आपने मेरी XZ प्लस देखी हुई है तो इस कार में आपको क्या क्या मिल जाता है। और ये जो कार है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है टाटा टियागो जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें, क्योंकि इनमें आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और ये जो कार आती है, मतलब इसकी प्राइस रेंज जो है बहुत कम है कंपेयर करें फीचर्स और प्राइस वाइज। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। इसमें जो है आपको 1200 cc का इंजन मिल जाता है विद 87-88 bhp अराउंड, सेम मतलब जो टॉप मॉडल में इंजन आता है सेम आपको इसमें मिल जाता है सेम पावर के साथ। इसमें जो है आपको गाइस हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फॉग लैम्प इसमें नहीं आते हैं, फॉग लैम्प आप देख सकते हैं नहीं आते हैं, और हेलोजन इसमें जो है बल्ब लगे हुए हैं हेडलैम्प्स में। साइड में आ जाते हैं एक बार तो यहाँ पर आपको जो है टायर्स एलोए नहीं मिलते हैं इसमें, स्टील रिम में आपको मिलते हैं विद व्हील कवर्स। एंड इसमें जो है आपको 14 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं, आपको 14 इंचेस इनका साइज़ है। और अब ये जो साइड ORVMs है ये ऑटो फोल्डेबल्स नहीं है, बट मैं इनका एक और फीचर दिखाऊंगा इसमें क्या एडजस्ट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि अंदर चल के हम बात करेंगे। एंड टाटा टियागो में जो है जो भी ये डोर हैंडल्स होते हैं ये सेम बॉडी कलर में ही आते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्रोम हैंडल्स मिलते हो, आप आफ्टर मार्केट जा सकते हैं लगा सकते हैं, बट ये बॉडी कलर ही मिलते हैं टॉप मॉडल तक। बाकी पीछे आते हैं, पीछे की साइड जो है आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलते हैं, मतलब आपको मैं बता दूं बैक साइड में जो आपको बैक कैमरा नहीं मिलेगा बट आपको जो है रियर सेंसर्स मिल जाएंगे, जैसे एक यहाँ पे है इस साइड में, एक यहाँ पे आपको मिल जाता है इस साइड। बाकी यहाँ पे आपको टाटा टियागो की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। ये जो ये आपको हेलोजन लैंप्स मिल जाते हैं, ये आपको जो है LED मिलते हैं। प्लस गाइज इसमें 242 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी इनफ है, आराम से आपका जो बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है विद पार्सल ट्रे आपको मिलती है इसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा लोअर वेरियंट है तो आपको पार्सल ट्रे इसमें नहीं मिलेगी या फिर अलग से खरीदनी पड़ेगी, इसमें जो आपको इस कार के साथ में ही पार्सल ट्रे भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और जैसे कि ये जो कार है मैं बता दूँ आपको, ये कार मेरे ब्रदर की है और ये सेम डे परचेज की गई है जिस दिन मैंने कार खरीदी है, 18th और 19th अक्टूबर लास्ट ईयर 2020 में। तो सेम डे की कार है ये, बट डिफरेंस ये है ये कार जो है ये 11,500 तक चल चुकी है और मेरी जो कार है वो अभी तक सिर्फ 6,000 and something कुछ चली है, तो मतलब ये कार जो है काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है अभी तक। तो अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या इसमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइज अब जो है हम अंदर आ चुके हैं, थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है इस वजह से लाइट में को ऐसे जलानी पड़ रही है। बाकी ऐसा है इसमें ओडोमीटर जाता है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है हरमन का ही इसमें दिया हुआ है, और ये टच स्क्रीन नहीं है, मैं मतलब टच स्क्रीन पूरा नहीं है इन्फोटेनमेंट सिस्टम, बट जो इसके बटन है ये सारे टच वाले बटन से इसमें दिए हुए। और इसमें जो है सारे जो स्पीकर हैं और ट्विटर्स जो कि हरमन की तरफ से है, यहाँ पे जो है आपको इसमें ब्लूटूथ FM आप यहाँ पे USB लगा के भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, USB लगी हुई है, यहाँ से आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है पेयर कर सकते हैं अपना मोबाइल क्लिक करके, और यहाँ से आप जो है आगे ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी छोटी सी स्क्रीन दी हुई है थोड़ी, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती है काफ़ी मतलब बहुत अच्छा दिया हुआ है हरमन, आप देख रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ है हरमन का कॉम्पोनेंट दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे जो है आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि बेस मॉडल से ही आता है, ऐसा नहीं है कि राउंड स्टेयरिंग इन्होंने XT वेरिएंट में दिया मिड वेरिएंट में, बेस वेरिएंट से ये वाले स्टेयरिंग इसमें आ जाता है। ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है, इसमें जो आपको स्टेयरिंग माउंट्स नहीं मिलते हैं, स्टेयरिंग कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं आपको, यहाँ पे हॉर्न आपको बीच में भी आप बीच से भी प्रेस कर सकते हैं और साइड से भी प्रेस कर सकते हैं इजीली। तो आपको अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम अपना कंट्रोल करना है तो आप जो भी यहाँ पे बटन दिए टच वाले आप इनके थ्रू ही कर सकते हैं आप। और ये जो है एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील है, आप अप डाउन कर सकते हैं, और ये टाटा टियागो में सिर्फ यही ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो है
हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं उन्हें आराम से। इस साइड जो आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसमें जो है बैक वाइपर नहीं दिया है, सिर्फ जो टॉप मॉडल है उसमें जो है बैक साइड वाइपर आते हैं, इसमें नहीं आते। लेकिन यहाँ पे इस साइड चलते तो यहाँ पे आपको जो है एसी कंट्रोल्स ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं, यहाँ पे मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आपको एसी का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको फैन का मिल जाता है, यहाँ पे हीटर एंड जो एयर कंडीशनर का उसका है, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप फ्रंट में जो है पास ऑन कर सकते हैं एयर, या फिर आप आगे विंडशील्ड की साइड करना चाहते हैं या फिर पैरों की साइड, वो आप डिपेंड करते हैं, मैनुअली आप कर सकते हैं इसे। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, नॉर्मल गियर नॉब ऐसा मिल जाता है इसमें। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक, कप होल्डर, और यहाँ पे जो है गियर लॉक भी लगवाया हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ये गियर लॉक ये लग जाता है इजीली, बहुत ज़्यादा मतलब सेफ भी है। जैसे अगर आपकी कार जो है नॉर्मल रोड वगैरह पे खड़ी होती है जहाँ पे थोड़ा चोरी होने का भी डर रहता है, तो आप इजीली इसे लगा के सेफ कर सकते हैं अपनी कार को। इस साइड चलते हैं, यहाँ पे जो है आपको डोर हैंडल्स इनसाइड अंदर वाले जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं, क्रोम में नहीं आता है ये, टॉप मॉडल में क्रोम में आते हैं ये। बाकी एसी के वेंट्स पे यहाँ पे फिनिशिंग जो है क्रोम की मिल जाती है, इस साइड भी सेम ऐसे ही है, क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है यहाँ पे भी, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है एसी का। गाइज सेफ्टी वाइज मैं बता दूँ, इस कार में जो है दो एयरबैग्स आ जाते हैं, एक पायलट साइड एक को पैसेंजर साइड, जो कि आपको पता ही है ये कार वैसे भी 4-स्टार रेटिंग के साथ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका सेफ्टी वाइज भी। तो आप अगर आप सोच रहे हैं टाटा टियागो XT के लिए भी, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी कार है, पूरी फीचर लोडेड कार है ये, आप आराम से इसके लिए जा सकते हैं। इस साइड चले तो ये जो है आपको मैनुअली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर मिल जाता है, यहाँ से आप जो है अगर नाइट में आपको पीछे से लाइट पड़ती है तो आप इसे जो ऐसे कर सकते हैं, और बाकी दिन में आप नॉर्मली कर सकते हैं इसे। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको LED लैंप मिल जाता है अंदर, यहाँ पे ऐसे सीट कवर्स जो इस कार में अभी लगे हुए हैं चेंज करवा लिए हैं ये, और जो मैट्स जो अभी लगवाने बाकी हैं, अभी नॉर्मल मैट्स लगे हुए हैं, इसमें 7D मैट्स अभी लगने इंस्टॉल होने हैं। इस साइड में जो है आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चारों पावर विंडोज आती हैं, लेकिन जैसे टाटा टियागो मेरी वाली जो है टॉप मॉडल में, आप इसे प्रेस करेंगे एक बार तो विंडो जो है वो पूरी उतर जाती है नीचे, जब हमें प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं, बट इसमें ऐसा नहीं है, हमें प्रेस करके रखना पड़ता है तभी जाके विंडो पूरी जो है नीचे होती है एंड ऊपर होती है। अब आते हैं इसके साइड ORVMs पे, ये जो है ऑटो फोल्डिंग ORVMs नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने नीचे किया हुआ है, बट ये कुछ नहीं हो रहे हैं, बट आप जो है इन्हें अंदर से जो इसका जो शीशा है मिरर जो है जिससे आपको पीछे का दिखता है, आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए राइट साइड का किया मैंने, तो ऐसे, और ऐसे ही मैं जैसे लेफ्ट साइड का करता हूँ, सो बेसिकली कार जो है मेरे ब्रदर ने 5.5 लाख में ली थी ऑन रोड प्राइस, वैसे 6 लाख की थी बट उन्हें जो है डिस्काउंट वगैरह करके 5.5 लाख अराउंड पड़ ली है कार, जो कि बहुत अच्छी डील है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो कट किए हुए हैं, इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, इसमें मतलब एक जो नॉर्मल बेसिक जो इंसान को चाहिए होते हैं फीचर्स, वो इसमें सारे दिए गए हैं। प्लस आपको इसमें जो हरमन गार्डन का आपको इंफरटेनमेंट मिल जाता है, जो कि बहुत बेस्ट चीज़ है इस सेगमेंट में, आपको जो है टॉप वेरिएंट से भी नीचे वाले वेरिएंट में जो है इन्होंने हरमन गार्डन के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, प्लस हरमन JBL के जो इसमें स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, 4 ट्वीटर्स और 4 स्पीकर्स ये इसमें दिए गए हैं। बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार है, 5.5-6 लाख में आपको जो है ये मिल जाती है आपको ऑन रोड। सेम जो इसकी की ऐसी आ जाती है जैसे मेरी कार में भी आती है, टॉप मॉडल में भी ऐसी की आती है नॉर्मल, जैसे लॉक हो गई, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं, बट ORVMs जो है वो ऑटो फोल्ड नहीं होते हैं इसमें, और फॉलो मी लैंप का जो ऑप्शन है इसमें किस तरह से काम करता है, इसमें पूरी हेडलाइट जो है वो ऑन नहीं होती है, सिर्फ जो अंदर के बल्ब हैं जो थोड़े डिम होते हैं वो ऑन होते हैं, जैसे कि देखिए आप ये पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ थोड़े से लैंप ऑन हुए हैं। ये बटन दबाएंगे तो आप यहाँ से फॉलो मी लैंप का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाता है, बैक साइड से ऐसे आपकी जो है बैक लैंप जो है ये ग्लो होना स्टार्ट कर जाते हैं, और जो है
नंबर प्लेट की लाइट भी ऑन हो जाती है। सो गाइज मेरा मेन रीज़न ये था थोड़ा शाम को वीडियो बनाने का कि मैं इस कार का जो है ये फॉलो मी लैंप ऑप्शन भी आपको दिखा सकूं कि इसमें जो है बल्ब कितना ऑन होता है नाइट टाइम पे। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है, 5.5 से 6 लाख में ये जो कार है आपको मिल जाएगी ऑन रोड दिल्ली के अंदर, मैं बता रहा हूँ। और वैसे ये कार जो है HP नंबर है, आप देख सकते हैं। तो ये पंचकूला से ली गई थी, तो पंचकूला में भी अराउंड इतना ही आपको कॉस्टिंग पड़ जाती है। तो अभी तो शायद नई वाली जो टाटा टियागो है थोड़ी सी महंगी हो गई है, बट ये है कि इसके अराउंड मिल जाएगी आपको 5.5 से 6, 6.25 तक आपको आराम से XT वेरियंट मिल जाएगा टाटा टियागो का। प्लस आपको जो है इसमें, जैसे कि मैंने बताया था कि बैक साइड में रियर सेंसर्स दिए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करते हैं वो। जैसे मैंने कार ऑन की है अभी, तो यहाँ पे जो है आपको, मैं एक बार फ्लैश बंद करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए जैसे लिखा हुआ है पार्क ब्रेक अभी मैंने इंगेज की हुई है, जैसे ही मैंने छोड़ दिया। अगर मेरे पीछे कोई भी आता है, कंपोनेंट आता है, तो ये आवाज़ करने, बीप करने लगता है बहुत तेज तेज, जो कि सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा सेंसर इसीलिए दिए है कि पीछे टच होने से बचाए। गाइस बैक करते टाइम जो है आप देखिए कैसे सेंसर इसमें आवाज़ करता है, पीछे जैसे अभी कॉम्पोनेंट है थोड़ा, और गाइस मेरी कार में आते 15 इंचेस के टायर और इस कार में जो आते 14 इंचेस के टायर आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी कार से अच्छा माइलेज इस कार में मिल जाता है, क्योंकि टायर साइज जो है वो थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से जो है पावर ज़्यादा लगती नहीं है कार में, तो इजीली आपको जो अच्छी माइलेज मिल जाती है। गाइस मेन चीज़ जो है मैंने फीचर्स इसके आपको बता दिए हैं, बाकी जो है आपने मेरी टाटा टियागो वाली वीडियो देखी हुई है तो सेम वैसे ही फीचर्स हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक, 2 सब्सक्राइब एंड कीप शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।